दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट पुलअप बार जो अमेजोन पे अवेलेबल है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग पुलअप बार्स, बट कम दाम है और ज़्यादा बिकता है. इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका क्वालिटी अच्छा होगा. आज के वीडियो में हम जज करने वाले हैं कि इसका एक्चुअल क्वालिटी कैसा है भाई. ओके, तो पहले हम इसका जो स्टील का बिल्ड क्वालिटी है उसके बारे में बात करते हैं. ऑनेस्टली स्टील का बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली में अच्छा नहीं है. ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पतली स्टील से बना हुआ है. इसको जब आप पहले बॉक्स से खोलेंगे, इसको बस हाथ में पकड़ेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा लाइट है. ये कितने गॉज स्टील का है मुझे पता नहीं, बट दिस इज़ अ वेरी हाई गॉज स्टील. 14 गॉज के भी ऊपर होगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा पतले स्टील से बना हुआ है यार. ये पुलअप बार इतना पतला स्टील से बना हुआ है कि अगर मैं अभी इस पे हैंग करूँ तो आपको एक क्रीकिंग आवाज सुनाई देगा. ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे पता नहीं कि वीडियो में कैसा आवाज आया, बट मैंने इस पुलअप बार पे एक 150 केजी वेट टेस्ट किया था जो इस पुलअप बार ने सक्सेसफुली पास किया था. एंड उसके बाद से ये जो क्रीकिंग साउंड है ये थोड़ा सा इस साइड पे होना शुरू किया है. ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, मैं इस पे डेली वेटेड पुलअप्स करता हूँ. ऐसा नहीं कि इस आवाज़ की वजह से ये प्रॉब्लम करता है, हाउएवर ये आवाज़ करने लगा है अभी. हाउएवर मेरे को ये मानना होगा कि 150 केजी के टेस्ट से बाद से ही कि ये क्रीकिंग सा आवाज़ आ रहा है. तो अगर आप उतना एक्सट्रीम को टेस्ट नहीं कर रहे ऑन दिस पुलअप बार, देन ये जो साउंड है ये भी नहीं आएगा आपको. बट फिर भी इसका मेटेरियल क्वालिटी बहुत ही पतला है भाई. पुलअप बार की अगर हम ग्रिप्स की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने खुद से लगाया है, ठीक है? इसमें जो ओरिजिनल ग्रिप्स आते थे वो खुल के निकल गए. ये बेसिकली एक काइंड ऑफ जो ओरिजिनल ग्रिप आता था, जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही पतला है यार. ये आपके हैंड को कोई कुशनिंग ज़्यादा कुछ नहीं देता, बेकार क्वालिटी का है. ऑफकोर्स इस साइड पर भी देख रहे हैं ये भी एक ओरिजिनल था, एकदम पतला है, सॉलिड नहीं है और ईजिली फट जाता है यार. यू नो 2-3 महीने के अंदर अंदर ये आराम से फट जाएगा. इस साइड भी सेम थिंग. तो यू नो जो रबर का क्वालिटी यूज़ किया गया है वो बहुत ही कम है, बट अगेन 1000 रुपये में मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार. यू नो रबर काम करता है बट कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा भाई. अब अगर हम बात करें कि इस पुलअप बार का जो हैंडल का डायमीटर है, मतलब ये जो डायमीटर है ये एक्चुअल में कितना है, अगर मुझे गेस करना होगा तो आई वुड से ये अराउंड 25 मिलीमीटर या फिर उससे भी कम है, बिकॉज ये पकड़ने में बहुत ज़्यादा पतला लगता है. ग्रिप इसमें लूज वगैरह नहीं होता, बट फिर भी ये पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा पतला लगता है. और अगर ये रबर ग्रिप्स नहीं होते तो बहुत ही ज़्यादा पतला लगता है यार. सो एज यू कैन सी कि पुलअप बार का बिल्ड क्वालिटी उतना कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी इस बिल्ड क्वालिटी के साथ भी इट कैन विस्टैंड अ लोड ऑफ 150 केजीज. 1000 रुपये के कम में इससे बेटर बिल्ड क्वालिटी क्या ही एक्सपेक्ट करूँ मैं. ओके, तो अगर अभी मैं इस पुलअप बार के ग्रिप्स के बात करूँ तो मेजरली आपको 3 ग्रिप्स मिलते हैं, ठीक है? पहला है आपका ऐसा न्यूट्रल ग्रिप्स, आप इसमें ऐसे न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स कर सकते हैं. फिर है आपका ऐसा एक वाइड ग्रिप जिसपे आप वाइड ग्रिप पुलअप्स कर सकते हैं. यू नो अ लॉट ऑफ पीपल लव टू डू वाइड ग्रिप पुलअप्स. और दी लास्ट ग्रिप आई वुड से इसमें ऐसा एक चिन अप का ग्रिप है. यू नो इस पे चिन अप का ग्रिप एक्चुअली काफी अच्छा है. हाउएवर आप सभी का जो एक फेवरेट ग्रिप है विच इज दी नॉर्मल ओवरहैंड पुलअप ग्रिप जो शोल्डर विथ का आता है, वो आप इस पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एज यू कैन सी कि ये ज्यादातर लोगों के शोल्डर विथ से ज्यादा नैरो है. तो ऐसे अगर आप चाहे तो पुलअप तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये आई थिंक ज्यादातर लोगों को ज्यादा नैरो लगने वाला है. आई वुड से मल्टी ग्रिप इज वन ऑफ द प्रोज ऑफ दिस पुलअप बार. यू नो आपको 1000 रुपये से कम में 3 ग्रिप्स मिल रहा है, ये दैट्स अ वेरी बिग प्रो. यू नो बहुत सारे एक्सपेंसिव पुलअप बार्स में 3000-4000 के पुलअप बार्स में भी सिर्फ आपको एक स्ट्रेट रॉड मिलता है, तो उसके कंपैरिजन में आई थिंक दिस इज मच बेटर विच मोस्ट पीपल विल अप्रिशिएट. पुलअप बार के साथ आपको जो नट्स मिलते हैं ये वो नट्स नहीं है बेसिकली, बट बेसिकली जो नट्स मिलते हैं उनको आपको एकदम भी यूज नहीं करना है. पुलअप बार के साथ जो नट्स मिलते हैं वो M6, 8, 10 कुछ भी हो मुझे याद नहीं, बट बेसिकली जो भी हो दोज नट्स आर रियली नॉट हैवी ड्यूटी एनफ ताकि वो आपका बॉडी वेट ले पाई. उन्हें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो वैसे वाले नट्स अपने वॉल पे लगा लेते हैं और फिर डायरेक्टली वॉल से खोल के आता है. यू नो आप देखेंगे जितने भी पुलअप बार आप टूटे हुए देखेंगे, कभी भी पुलअप बार इधर से नहीं ब्रेक होता, हमेशा वॉल से ही निकल आता है. तो वो मेजरली नट्स का प्रॉब्लम हो सकता है. अगर आप ये खरीद रहे हैं आई वुड एडवाइस कि आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, वो ऐसे नट्स ले आएंगे, दैट इज मच मच बेटर इंस्टेड ऑफ जो आपको M8, M6 जो नट्स मिलते हैं. इनके नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये कोलकाता में इनको बुलेट स्क्रूज बोला जाता है, बट बाहर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. कॉल योर इलेक्ट्रिशियन, आई थिंक ही विल बी द बेस्ट टू गाइड यू कि इस पुलअप बार को कैसे फिट करना है.
ये पुल अप बार आपके वॉल पे सर्वे करेगा कि नहीं करेगा, आई थिंक मेजरली डिपेंड करते कि आपका वॉल कैसा है। ठीक है, इस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट बेसिकली मैंने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात की थी, दे टोल्ड मी कि 6 इंचेस वॉल थिकनेस हो तो बेटर है, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। बट ऑनेस्टली मैंने जो देखा है कि 6 इंचेस से कम भी होता है तो चल जाता है, जैसे मेरा ये वॉल 6 इंचेस नहीं है, 4 इंच है शायद, बट फिर भी ये काफ़ी आराम से लग गया है। मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आप पुल अप बार्स को रूफ टॉप के वॉल पे लगाते हैं ना, रूफ टॉप के वॉल्स यूजुअली ज़्यादा मोटे होते हैं और उनको लगातार सनलाइट मिलता है, तो वॉल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा मेंटेन होता है। तो रूफ टॉप वॉल पे लगाएंगे तो ये बहुत सारे दिन चल जाएगा। जैसे दिस इज़ माई सेकेंड पुल अप बार, पहला जो पुल अप बार था जो मैंने 2 साल पहले रिव्यू किया था, वो आप देखेंगे कि मेरे दूसरे घर पे है, छत पे है, एंड वो अभी कितना साल हो गया, अराउंड 4 साल हो गया है, लिटरली 4-5 साल हो गया है एंड वो अभी तक नहीं गिरा। इट वर्क्स फाइन, मैं कभी कभी उधर भी पुल अप कर लेता हूँ। बट मेक श्योर अगर आपको भी इन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, देन कॉल अ प्रोफेशनल टू फिट इट। अगर आप खुद ड्रिल करना जानते भी है, आई स्टिल वुडन रिकमेंड यू टू इंस्टॉल समथिंग लाइक अ पुल अप बार अकेले। बिगेस्ट प्रो ऑफ दिस पुल अप बार आई वुड से कि इसका प्राइस, यू नो, ये पहले 1200 रुपए का बिकता था, बट अभी ये सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का बिकता है, यू नो, एंड फॉर दी प्राइस आई डोंट थिंक यू कैन गेट अ बेटर पुल अप बार। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा जो बहुत हैवी वेट है खुद, या फिर बहुत हैवी वेट कैलिस्थेनिक्स करते हैं। अगर आप 90 kg 100 kg है तो ये आराम से आप यूज़ कर पाएंगे, बट अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट कैलिस्थेनिक्स करते हैं, लाइक आप 40-50 किलो वेटेड पुल अप्स कर पाते हैं, फॉर दैट पर्पज ओनली आई वुडन रिकमेंड दिस पुल अप बार। बट फॉर एवरी वन एल्स, आप बॉडी वेट पुल अप्स करना चाहते हैं, जितने भी वेट के हैं आप आराम से इस पर कर सकते हैं। The price, material quality अच्छा नहीं है वगैरह, बट ये ज्यादातर बॉडी वेट को ही ले पाता है, एंड अलॉन्ग विद 3 मल्टी ग्रिप्स आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको अभी इस पुल अप बार को खरीदना है, देन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, दैट विल बी द बेस्ट वे टू सपोर्ट माय चैनल, ताकि मैं ऐसे वीडियोस बना के आपको भी हेल्प कर सकूं टू बिल्ड योर होम जिम। बट अभी अगर इस पुल अप बार का एक वेट टेस्ट देखना है, जहां पे मैंने इस पे 150 kg झुलाया था, जाके इस वीडियो को देखो। बाय बाय।